हाय गाइस, फिर से आपका स्वागत है एक बहुत स्पेशल वीडियो में भाई। सिर्फ टेक बार पे ही आपको ये वीडियो मिलती है भाई, जहां पर मैं सारे टीवीज मंगा लेता हूं। ये 32 इंच के टीवी है, 10,000 के अराउंड आते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आई वो वीडियो, इतनी हेल्प हुई आप लोगों की, मुझे लगा इस साल का भी एक 2023 एडिशन भी आना चाहिए इस वीडियो का। तो भाई टीवी मेरे सामने रखी है, इनको टेस्ट करूंगा, रैंक करूंगा भाई आपको कौन सा खरीदना चाहिए। ऑब्वियसली दिवाली आ रही है भाई, बहुत सारे लोग जो है टीवी वगैरह खरीदते हैं, तो मेरे को लगा भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आप लोग को बेस्ट चीज़ें सजेस्ट करूँ। खैर, स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदने एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूँ, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। टेस्टिंग डन हो चुकी है, रैंकिंग भी मैंने क्रिएट कर दी है, और एक चीज मुझे समझ में आई है भाई रैंकिंग क्रिएट करते समय कि भाई सारे टीवी कॉम्प्रोमाइज के साथ आते हैं। देखो पिछले साल तक मार्केट फिर भी ओके थी, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 9 से 14 हज़ार के जो टीवी है इनमें एक आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, तभी आपको एक अच्छी डील मिलेगी। इनफैक्ट ये भी बता देता हूं कि जब रैंकिंग में क्रिएट कर रहा था तो मेरा क्राइटेरिया ये था कि सबसे इंपॉर्टेंट डिस्प्ले है, क्योंकि अगर डिस्प्ले अच्छी नहीं है टीवी की तो उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। फिर सेकंड क्राइटेरिया मेरा साउंड था, फिर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, फिर वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं प्रोडक्ट, और सर्विस कैसी है, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में हमें हर एक ब्रांड की टीवी दिख जाते हैं ना, तो उनका सर्विस रिकॉर्ड कैसा है वो भी हमने कंसिडर किया है, तब रैंकिंग क्रिएट की है। तो इसी नोट पे रैंक नंबर 5 की बात करते हैं, जो कि हमारा लाइक स्पेशल ब्रांड है LG, उसकी तरफ से है। इनफैक्ट आज की पूरी लिस्ट में सबसे महंगा टीवी यही है भाई, 13,500 रुपए का। आपकी बेटर नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि मैं इसको रैंक 5 पे क्यों रख रहा हूँ। जैसे इसका रिमोट देखो, मुझे ऐसा लगता है कि भाई रिमोट काफी ज्यादा चीप फील हो रहा है। इतने सारे तो इसके अंदर बटन्स है, बटन्स कम किए जा सकते थे जिससे थोड़ा मिनिमल और ज्यादा फंक्शनल लुक हो। बट वैसे अगर टीवी का डिजाइन देखा जाए ना, वो बिल्कुल ट्रेडिशनल डिजाइन लैंग्वेज है, जैसे कि 3 साइड जो है थोड़ी सी पतले बेजल्स है, और जो नीचे वाला चिन्ह है वहां पर ब्रांडिंग मिल जाती है। बट पता है इस टीवी में एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर वेब OS मिलती है इसके अंदर, जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देती है, ऑप्टिमाइज भी है। इनफैक्ट एप्पल एयरप्ले का भी फीचर है ना, तो वो थोड़ा सा प्रीमियम साइड चला जाता है, और एप्पल होम किट भी मिलता है इसके अंदर, तो ये सब चीजें अच्छी है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, फीचर्स कितने भी टीवी के अंदर, बेसिक फंक्शन टीवी का जो है अच्छी डिस्प्ले है, अगर वो अच्छी नहीं है तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे कि मैं इस पे कंटेंट देखता हूं ना जितना भी, तो मैंने ऐसा फील किया कि यार कंट्रास्ट है ही नहीं, इतना वाइटिश सब कुछ फील होता है, काफी पेल फील होता है, जिसको एक अच्छा आउटपुट नहीं बनाता। एकदम स्पेसिफिक बता रहा हूं, मैं इसमें टेस्टिंग के लिए OMG 2 देख रहा था, और जो एक्टर है उसकी स्किन टोन बहुत बेकार दिख रही थी, और इन जनरल इस मूवी के जो कलर्स है यार वो फेडेड लग रहे हैं। तो इसीलिए सिंपल सी बात है भाई, अगर मैं 13,500 रुपए खर्चूंगा, वो भी सबसे ज्यादा इस पूरी लिस्ट के अंदर, इनफैक्ट LG का मुझे ब्रांड नेम भी चाहिए, तब भी सेंस नहीं बन रही भाई इतना स्पेंड करने की, क्योंकि जो मेन काम है टीवी का अच्छे कलर्स दिखाना, वो पॉसिबल ही नहीं है तो इसकी तरफ से, तो इसलिए रैंक 5 नॉट रिकमेंडेड। तो अब रैंक 4 की बात करते हैं, मैंने टीवी सेटअप कर दिया है। ये बहुत शॉकिंग था मेरे लिए कि रैंक 4 पे शाओमी का टीवी आएगा। ये शाओमी स्मार्ट टीवी A है 2023 एडिशन, और ये टीवी मैंने अप्रोक्स 11,000 रुपए का खरीदा है, और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाई शाओमी का टीवी बजट में इतना नीचे आई कंपटीशन के मुकाबले। ये काफी सरप्राइजिंग था मेरे लिए भी। इफ इन केस आपको नहीं पता कि मैं ऐसे शाओमी के बारे में क्यों बोल रहा हूं, भाई सीधी बात यह है कि शाओमी बजट में बेस्ट टीवी बनाता था आज से पहले, ये देखना एक्चुअली में शॉकिंग है। और पता है क्या, चाहे प्राइस सेगमेंट कम क्यों ना हो, शाओमी कोशिश करता है कि बिल्ड मॉडर्न रहे। जैसे कि ये इसका रिमोट देख लो, एकदम जो है मिनिमल डिजाइन के साथ आता है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी, और लिमिटेड यहाँ पर जो है बटन्स देखने को मिलते हैं, नो डाउट ये अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट टीवी का डिजाइन भी जो है बिल्कुल ओके बोला जाएगा, और सारे मेजर पोर्ट्स मिलते हैं इसके अंदर। बट इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, इस टीवी में हमें गूगल टीवी मिलता है, मतलब शाओमी जनरली गूगल टीवी नहीं देता था, बट इसकी एडिशन होना ये मेरे हिसाब से एक बोनस है। इनफैक्ट तारीफ भी खत्म नहीं हुई, सबसे खास बात ये है इस टीवी की कि जब मैंने सबसे कंपेयर किया इसको, मतलब मैं जितने भी टीवी मंगाए थे उनसे, 20 वॉट के स्पीकर मिलते हैं, और सबसे अच्छी साउंड क्वालिटी इस शाओमी की टीवी की है। बट ऑब्वियसली फिर क्वेश्चन ये आता है कि भाई इतना लो रैंक मैंने क्यों किया अगर इतनी सारी तारीफें हैं। तो देखो मेन प्रॉब्लम इसकी डिस्प्ले के अंदर आती है, और मैं पहले भी बोल चुका हूं भाई, एक टीवी जो है ऑब्वियसली अच्छे कलर्स नहीं दिखाएगा, तो मैं उसको हाई रैंक नहीं करने वाला। इनफैक्ट इस टीवी में ना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है कलर्स के अंदर कि काफी इनकंसिस्टेंट है। आपकी नॉलेज और बेटर हो इसलिए मैं और डिटेल में बता देता हूं। देखो जैसे कि ये वाइल्ड लाइफ वाली वीडियो चल रही है, इसके कलर्स अच्छे लग रहे होंगे आपको, काफी वाइब्रेंट आउटपुट लग रहा होगा। बट पता है प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही ह्यूमन सब्जेक्ट आता है ना कोई भी, तो स्किन जो है ये रेड या फिर येलो कर देता है, जो पूरा एक्सपीरियंस खराब कर देता है अगर आप एक मूवी देख रहे हो। और जैसे कि LG वाली टीवी में प्रॉब्लम थी ना कि कॉन्ट्रास्ट कम था,
भाई इस Xiaomi की टीवी में कॉन्ट्रास्ट जरूरत से ज्यादा है, जो मेरे हिसाब से एक बैड एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैंने इसको रैंक 4 पे रखा है। ये भी नॉट रिकमेंडेड राइट नाउ। रैंक नंबर 3 वाला टीवी मैं सेटअप कर चुका हूँ और यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, अभी जो 3 टीवी है सारे के सारे रिकमेंडेड है, डिपेंडिंग की प्राइस क्या है। ऑब्वियसली दिवाली ऑफर जब आएंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइस ऊपर नीचे जाता है। इन 3 टीवी जो मैं बताने वाला हूँ, इनमें से कोई भी आपको सही प्राइस पे दिखे आप खरीद सकते हो। इस टीवी के नाम है TCL S5 400A और ये टीवी ना मैंने 9,990 रुपए खरीदा है, मतलब 10,000 समझ लो। ये टीवी जो है 2 साल की वारंटी के साथ आता है, जो कि मेरे हिसाब से एक पीस ऑफ माइंड को देखते हुए चले तो अच्छी चीज है। अच्छा, इस टीवी का जो रिमोट है वो मेरे हिसाब से काफी सही है भाई, और अच्छी बिल्ड है इसकी और लिमिटेड कंट्रोल्स ही दे रखे है और ज्यादा मतलब बटन्स नहीं है, जो कि कंफ्यूजिंग लगते हैं मेरे को। इस टीवी के जो लुक्स है, बेजल्स है, ड्यूरेबिलिटी है, बाकी टीवी जैसी है बिल्कुल, बट जो इस टीवी में पोर्ट्स है ना वो मुझे लाइक डिसेंट से लगे, क्योंकि TCL ने इस टीवी के अंदर सिर्फ एक ही USB पोर्ट डाला है, आई थिंक 2 होने चाहिए थे, बाकी इथरनेट एंटीना ऑप्टिकल पोर्ट तो मिलता ही है, बाकी 2 HDMI पोर्ट है इस टीवी के अंदर और उनमें से एक में आर्क का सपोर्ट है। और हाँ, TCL ने जो है एक अडेप्टर भी दिया है, AV अडेप्टर है वो, जिससे टीवी में उसकी फंक्शनलिटी मिल सके, बाकी हेडफोन जैक तो है ही। देखो, इस टीवी में जो है ना एंड्रॉइड टीवी मिलता है। अब मैं जब इसको टेस्ट कर रहा था ना, मैंने नोटिस करा भाई थोड़ा सा जो ऐप लोडिंग टाइम है वो स्लो फील होता है, लेट लोड होती है यार एप्स। इनफैक्ट जब मैं नेटफ्लिक्स चला रहा था वो क्रैश भी हो गया था। अब मुझे नहीं पता वो इनिशियल सेटअप का सीन था, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे फील हुई इसके अंदर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ी ही प्रॉब्लम फेस हुई है, मेजर कुछ नहीं है। और मैंने इस टीवी की साउंड भी टेस्ट करी है, 24 वोट की स्पीकर है, अच्छा नंबर है, और डॉल्बी ऑडियो का भी फीचर है इसके अंदर। बट टेस्टिंग करते हुए मुझे ऐसा फील हुआ कि स्पीकर्स जो है ना ज्यादा फोकस करते हैं ट्रेबल पे। फॉर एग्जांपल, मैं इसमें क्रिकेट मैच देख रहा था और जो कमेंट्री है ना 100% वॉल्यूम पे वो डिस्टॉर्शन के साथ आ रही थी भाई, तो ये थोड़ा सा मुझे दिक्कत वाली चीज लगी। बट मेन चीज तो भाई डिस्प्ले का आउटपुट है ना, तो मैंने वो टेस्ट किया। देखो, मैंने इसमें जितना भी कॉन्टेंट देखा ना, मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये गुड कलर्स प्रोड्यूस कर लेता है, और जितना भी मैंने नॉर्मल कंटेंट इस पर टेस्ट करा कंसिस्टेंट तरीके से कलर प्रोड्यूस कर रहा था। बट एक जगह पे प्रॉब्लम मैंने फेस करी, जैसे कि नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पे जैसे HDR कंटेंट चलाते हैं ना, तो जो ब्राइट एरियाज होते हैं उसको हाइलाइट्स कहते हैं, ये ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता HDR कंटेंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, HDR कंटेंट को साइड में रखा जाए, नॉर्मल कंटेंट ये अच्छे से भाई कलर्स दिखाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। एकदम इजी वर्ड्स में बताऊं, अगर आपको अपने पेरेंट्स के कमरे में लगाना है भाई कोई टीवी, या फिर किसी को सिर्फ न्यूज ही देखनी है, नॉर्मल टीवी शोज ही देखने हैं क्योंकि वहां पर HDR नहीं होता, भाई मेरे हिसाब से ये टीवी बहुत सेंस बनाएगा। इस प्राइस सेगमेंट में 100% इसको रिकमेंड करूंगा। रैंक 2 नंबर की बात करते हैं अब। मैंने ये टीवी सेटअप कर दिया है भाई, इसका नाम है इंफिनिक्स W1। और गाइस, ये जो टीवी है मैंने 9,500 रुपए खरीदा है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब मैं इसको फ्लिपकार्ट से खरीद रहा था, टाइटल में क्यूलिड पैनल लिखा हुआ था, और इतने कम प्राइस में क्यूलिड टेक्नोलॉजी बिल्कुल इम्पॉसिबल साउंड करती है। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो LG का टीवी है उसका रिमोट देखो, और अब इस इन्फिनिक्स के टीवी का रिमोट देखो, एकदम सेम है भाई, बस थोड़े बहुत बटन ऊपर नीचे है। मुझे नहीं पता ये पॉसिबल कैसे है, बट इस इन्फिनिक्स के टीवी में ना एक प्रॉब्लम है भाई, इस टीवी के ना स्टैंड लगा के इसको डेस्क पे सेटअप किया और यहाँ पर रबड़ फीट नहीं है भाई इसके स्टैंड के अंदर। रबड़ फीट ना होने की वजह से भाई ये टीवी ऐसे ही जस्ट हाथ लगते ही पूरा हिल जाता है, इनफैक्ट ये जो है सरफेस को स्क्रैच भी सकता है। बट क्योंकि टीवी रिकमेंडेड है तो भाई मैं बोलूंगा कि इसको वॉल माउंट कराना सबसे सेंस बनेगा, क्योंकि इसके बॉक्स में जो है वॉल माउंटिंग वाली किट भी इंक्लूडेड है। बाकी पोर्ट्स के बारे में बताऊं तो यहाँ पर हेडफोन जैक और 2 USB पोर्ट मिलते हैं। इनफैक्ट इस टीवी में 3 HDMI पोर्ट है, इनमें से एक आर्क सपोर्ट के साथ आता है। और जैसे कि इन्फिनिक्स और LG के टीवी का रिमोट सेम था ना, LG की टीवी में WebOS है बिल्कुल वही सेम, तो हो सकता है, शायद से बता रहा हूँ, कि भाई इन्फिनिक्स और LG के बीच में कोई कोलैबोरेशन चल रही है। वैसे एक फनी चीज दिखाऊं, मैं इन्फिनिक्स के रिमोट से LG और इन्फिनिक्स दोनों टीवी को कंट्रोल कर पा रहा हूं। बाकी साउंड मैंने इसकी टेस्ट करी थी, 20 वॉट की स्पीकर है इसके अंदर, डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट है। पता है क्या, देखो वैसे आउटपुट इसका लाइक ओके है, बट मैंने नोटिस किया कि ना थोड़ा सा लाइक फुल साउंड नहीं करता है टीवी। मैं ये नहीं कह रहा लाउडनेस कम है, बट ऐसा लगता है कि यार स्पीकर्स को ना सही तरीके से ट्यून नहीं कर रखा। मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं, जो क्यूलिड पैनल लिखा हुआ है इस टीवी के बॉक्स पे, क्या वो रियल है? देखो यार, मेरे पास तो थोड़ा लग्जरी थी कि मैं सारी टीवी को खरीद के इकट्ठे रख के अपने सामने कंपेयर कर पाया, और इस कंपैरिजन में मुझे इतना समझ में आया कि भाई क्यूलेट पैनल इस टीवी का कुछ स्पेशल तो देखो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि ये नॉर्मल LED पैनल की तरह ही दिख रहा है बिल्कुल। तो इस क्यूलेट वाले टॉपिक को साइड में रखते हैं। वैसे अगर मैं कंटेंट के आउटपुट की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये अच्छा आउटपुट दिखाता है, कलर्स अच्छे है, इनफैक्ट कंसिस्टेंट भी है, ऐसा नहीं है कि सडनली कलर जो है चेंज हो जाते हैं। और पता है क्या, अगर मैं कोई नॉर्मल कंटेंट देख रहा हूं तो कहीं पे मुझे ना ज्यादा बूस्टेड कलर फील नहीं हुआ, मतलब ओवर सैचुरेशन फील नहीं हुआ। जबकि HDR कंटेंट की बात करूं तो मैंने इस टीवी में HDR कंटेंट चलाया तो मुझे ऐसा फील हुआ वहां पर हल्की सी ओवर प्रोसेसिंग दिख जाती है, कि कभी कलर बूस्ट हो गए, कभी शार्पनेस बूस्ट हो गई, वो दिखता है HDR कंटेंट में। बट ऑनेस्टली ये कोई मेजर
मेजर प्रॉब्लम मुझे फील नहीं हुई। और पता है क्या, मैं इस टीवी को रैंक नंबर 1 पे रख देता, लेकिन एक रीजन है जिसकी वजह से मैंने होल्ड बैक किया, वो है इन्फिनिक्स की ब्रांड वैल्यू। देखो मैं श्योर नहीं हूँ कि इन्फिनिक्स टीवी डिपार्टमेंट में कैसा वर्क करता है, मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ, और ना ही मेरे पास इनफ डाटा है बाकी यूजर एक्सपीरियंस का कि भाई उनका सर्विस का एक्सपीरियंस इस टीवी से रिलेटेड कैसा रहा है। तो इसीलिए मैं इसको रैंक नंबर 2 पे डाल रहा हूँ। बट अगर इसको मैं सिर्फ प्रोडक्ट को देखूं तो मेरे हिसाब से प्रोडक्ट तो भाई बहुत अच्छा है। फाइनली रैंक नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। टीवी सेटअप हो चुका है। ये टीवी है टोशिबा V35MP और ये टीवी मैंने 11,000 रुपए खरीदा है। और अच्छी बात ये है कि भाई इस टीवी के साथ भी जो है 2 साल की वारंटी मिलती है। और इस टीवी को टेस्ट करते हुए मुझे ऐसा फील हुआ कि ये बाकी टीवी से थोड़ा थोड़ा अलग है, जैसे कि इसका रिमोट भी जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट लेआउट के साथ आता है। हाँ इसमें थोड़े ज्यादा बटन है लेकिन फंक्शनल बटन भी मिलते हैं। इनफैक्ट ये डुअल टोन के साथ आता है, नीचे जो है मेटेलिक फिनिश है और ऊपर जो है ग्लॉसी है। इनफैक्ट जो टीवी का डिजाइन है ना वो बाकी टीवी के मुकाबले थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे कि स्टैंड जो है काफी अच्छी शेप के ये, और ये जो नीचे बार है इसकी जहाँ टोशिबा लिखा है, कॉर्नर से थोड़ा सा ये निकला हुआ है बाहर, तो अच्छा लुक देता है इसको। और पोर्ट्स की भी बात करूं तो यहाँ पर 2 USB और 2 HDMI पोर्ट मिलते हैं। आर्क का सपोर्ट है एक में, बाकी ईथरनेट एंटीना AV और हेडफोन जैक और ऑप्टिकल पोर्ट भी मिलता है। बाकी इस टीम में एंड्रॉइड 11 मिलता है जो कि लाइक ओके एक्सपीरियंस है बिल्कुल। पर जैसे कि मैंने हर एक टीवी में स्टेटमेंट बोली है भाई, डिस्प्ले का आउटपुट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो ये टीवी फैंटेस्टिक तरीके से कर रहा है। क्योंकि 11,000 रुपये में जिस तरीके कलर प्रोड्यूस कर रहा है ना वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है यार, मतलब मुझे एक्यूरेसी बहुत पसंद आई कलर की। क्योंकि इस टीवी में ना मैंने बहुत अलग अलग तरीके कंटेंट देखा, जैसे कि नेचर वाइल्ड लाइफ वाला भी, वहाँ पर भी मुझे जो है कलर एक्यूरेसी बहुत अच्छी लगी। और OMG2 का जो सेम सीन मैंने आपको पहले वाले टीवी में दिखाया था वो एग्जैक्ट सीन जो है मैंने इस टीवी के अंदर भी देखा, और बहुत अच्छे कलर प्रोड्यूस करे इस टीवी ने, तो ये चीज़ें बहुत सही है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको याद है मैंने बोला था कि हर एक टीवी में एक कॉम्प्रोमाइज 100% मिलेगा, तो देखो इस टीवी का कॉम्प्रोमाइज मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि वो इसकी साउंड क्वालिटी है। 12 वोट की स्पीकर है और अगर 100% वॉल्यूम पे सुनो तो भाई वो इतना अच्छा साउंड नहीं करते। तो मेरी टेस्टिंग में मुझे ये तक फील हुआ कि जैसे ही अगर मैं कोई मूवी देख रहा हूँ और वहां पर वोकल आते हैं तो थोड़े दबे हुए भी साउंड करते हैं। तो एकदम लॉजिकल तरीके से देखा जाए ना तो साउंड की प्रॉब्लम तो साउंड बार लगा के फिक्स भी हो जाती है। आप एक्सटर्नल स्पीकर लगा सकते हो इफ पॉसिबल, आपको थोड़ा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट यार डिस्प्ले की प्रॉब्लम टीवी के अंदर सॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि वो उसका प्राइमरी फंक्शन है। तो भाई इसी चीज को देख के मैंने इसको रैंक नंबर 1 पे डाला है, क्योंकि नो डाउट डिस्प्ले तो भाई फैंटास्टिक है, हाईली रिकमेंडेड अगर आपको अच्छे कलर्स चाहिए हो तो इस प्राइस। तो भाई यहां पर ये लिस्ट खत्म हो जाती है। आप क्या सोचते हो, आप कौन सा टीवी यूज करते हो इस प्राइस सेगमेंट में? आप नीचे अपना वैल्यूएबल रिव्यू जरूर लिखकर जाना अगर आप कोई और टीवी यूज कर रहे हो तो, बहुत लोगों की हेल्प होती है। और अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पर क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेकबर आर्मी को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।